भारत में हर 5 मिनट में एक महिला प्रसूति के दौरान अपनी जान गंवा देती है। विश्व आरोग्य संस्था WHO। आशा बेन मने वारंवार बोलावा आवता तो पण घर काम मां भूली जाती थी। भणेली नथी ने वाची लखी सकता नथी। पहला आशा बेन कहता हता तारे मु रस्सी मुकानो भूली जाती। भारत में गर्भवती महिलाओं के प्रसूति के समय होने वाली मृत्यु के दर को कम किया जा सकता है। आशा एवं ANM कार्यकर्ताओं का काम सराहनीय है, परंतु उन पर एक बड़ी आबादी तक पहुंच पाने की विभिन्न जिम्मेदारियां होने के कारण एक महिला पर जरूरी व्यक्तिगत ध्यान देने में वह असमर्थ रहते हैं। इस परिस्थिति में अगर महिलाओं को प्रसूति अवस्था के दौरान व्यक्तिगत जरूरी जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराई जा सके तो प्रसूति मृत्यु दर के आंकड़ों में काफी कमी लाई जा सकती है। गर्भवती महिलाओं एवं दाइयों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अनूठी विशेषताओं एवं उसके लोकप्रिय माध्यम जैसे मोबाइल के उपयोग से सही समय पर सही जानकारी मिले, इसके लिए CDEC हैदराबाद ने विकास पेडिया प्रोजेक्ट के तहत मदर मोबाइल बेस्ड मैटरनल हेल्थ अवेयरनेस टूल विकसित किया गया। मदर का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं दाइयों को आरोग्य एक्सपर्ट की सलाह मोबाइल वॉइस कॉल के माध्यम से देने के साथ साथ परिवार के पुरुषों को गर्भावस्था और नवजात बच्चों की देखभाल संबंधित स्थितियों के प्रति संवेदनशील बनाना है। इससे महिलाएं सरकारी योजना से सक्रिय रूप से जुड़ेंगी और वे प्रोत्साहित एवं लाभान्वित भी होंगी। मदर टूल MCTS के रजिस्टर डेटाबेस का उपयोग कर निर्धारित लाभार्थी को समय पर निजीकृत स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं उन्हीं की प्रादेशिक भाषा में पहुंचाता है। आपे प्रसूति सेवाओ माटे पूर्व प्रसूति नोंदणी करावेल छे। टीकालु इच्चिन वेंटने 10 निमिषाल पाटु अक्कडे वेचि उंडाली। बिड्ड बागा उन्नचो इंटिकी वेळ्ळाली। ये संदेश स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा क्षेत्र विशेष की स्वास्थ्य समस्याओं के अध्ययन से बनाए गए हैं। इन संदेशों को भेजने की समय सारणी भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। मदर एप्लीकेशन लाभार्थी डेटा की जानकारी लेते हैं और एप्लीकेशन का शेड्यूलर इंजिन प्रत्येक लाभार्थी के स्वास्थ्य मानकों के अनुसार एक अनुसूची तैयार करता है जो वॉइस कॉल गेटवे सिस्टम में भेजा जाता है, जो प्रतिदिन लाभार्थी को वॉइस कॉल भेजना शुरू करता है। लाभार्थी तक कॉल ना पहुंच पाने की स्थिति में मदर एप्लीकेशन उसे फिर से शेड्यूल करता है। मदर एप्लीकेशन एक वॉइस कॉल बेस्ड सिस्टम होने से निरक्षर महिलाएं भी इसका लाभ ले सकती हैं। और तो और प्रादेशिक भाषाओं में संदेश उपलब्ध होने से यह भारत के हर प्रदेश के लिए बहुत ही उपयोग सिद्ध होता है। हवे फोन आवे छे रसी समय सर मुकाउ छु। मैं संदेशो सांभळ्यो एटले मारा बाळक ने मैं फक्त अर्धो कलाक ने अंदर मैं मारो धावण ज आप्यो हतु। वाची लखी सकता नथी पण फोन ऊपर थी अमने खबर पड़ी जाय के अमने त्यां बोलावे ने सुसु सुविधा मळे अने सुसु जाणवा मळे एम। અમારા આશાબેનનો ઘણી બધી કામગીરી હોય છે, જો મમતા ઈ મમતાનો મેસેજ આવવાથી અમારી ઘણી બધી કામગીરી એમ કે સરળ થઈ જાય છે। આ ઈ મમતાના ડિજિટલ માધ્યમથી સરકાર દ્વારા તમામ લાભાર્થીને આરોગ્યના તમામ લાભાર્થીને સાંકળી લેવામાં આવ્યા છે, સાથે સાથે તમામ સગર્ભા બહેનો તમામ ધાત્રી બહેનો પણ ઈ મમતા દ્વારા ફોન કરવામાં આવે છે। આંધ્ર પ્રદેશમાં પાયલટ પ્રોજેક્ટ હોને કે બાદ મધર ટૂલ કો ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઉનકી ઈ મમતા પ્રોગ્રામ કે તહત ઉપયોગમાં લિયા ગયા। મધર એપ્લિકેશન કો ઈ ઇન્ડિયા, NASCOM, WSIS जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी नवाजा गया है। आने वाले समय में भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य कल्याण के लिए मदर एप्लीकेशन एक नवीन सूर्योदय समान सिद्ध है।